सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू जैसिन ब्लॉग। और ये हमारा डे वन है आज यहाँ पे कुर्ग में। सो हम लोग अभी जस्ट ट्रैवल वाले को फ़ोन किया था कि वो अपना वो कार जैसे हम लोग बुक किए हैं, तो फिर वो अभी आएगा। आई थिंक 9:30 के करीब आएगा। तो सो मैं सोचा मैं ब्रश कर लेता हूँ, इनको मैं ग्रीन टी ला के दे दिया हूँ, तो फिर वो हम लोग को कहाँ कहाँ आज एक्सप्लोर करेगा वो? टोटल 9 प्लेसेस कवर करेगा आज ही के दिन। आज रुक, दो दिन के लिए पूरा कैब बुक कर लिए। अच्छा, और वही तो उल्टा फुल्टा चले जाके कोई फायदा नहीं है। उसने क्या दो जगह जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह पे दो जगह ऐड किया है वो। अच्छा, तो मतलब क्या? अच्छा, 9 में दो जगह वो रिजेक्ट करके दो जगह और ऐड किया है। ऐड किया वो तो दिन कपड़ों को मैं जो पूरा कैब वही करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पीक है ना, वही पीक के ऊपर 4 घंटे का ट्रैकिंग है। तो 4 घंटे का ट्रैकिंग तो बोल रहे वो नहीं कर पाएंगे फिर 2 दिन में कवर, क्योंकि वो आधे दिन निकल जाएगा तो उधर चला जाएगा। अच्छा, और सोमवार पे एक जगह है वो दूसरे तालुक में। अच्छा, तो उसको भी कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके जगह पे जो हम लोग वो एलिफेंट क्रॉस नहीं था दोबारा जो कैंसिल कर रहे थे तो वो ऐड किया है। अच्छा, और कॉफी प्लांटेशन जो है वो ऑन द वे रहेगा, तो उसमें दिखाएगा हम लोग को वो ग्रीनरी पूरा दिखेगा। अगर वेदर अच्छा रहेगा तो बहुत मस्त दिखेगा सब कुछ। वेदर में सही है ना यहाँ पे? पता नहीं, अब तो बोल रहे थे कि बारिश हो रहा है। अभी तक बाढ़ अच्छा है तो अच्छा है, बारिश बोल रहे थे। बारिश लेकिन नहीं हो रहा है, बाहर दिखाएंगे ना। अच्छा ठीक है, बाहर का व्यू दिखाऊंगा। अभी तो मैं रूम में हूँ और मैं हम लोग का विंडो भी बकवास दिया हुआ है, इस रूम का वॉल ही दिख रहा है, व्यू दिख ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट जब निकलेंगे तो फिर मैं दिखाएंगे कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो फिर आप लोग वीडियो के साथ बने रहना कि देखना हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिर मैं वीडियो यहीं पर ऑफ करता हूँ, मैं ब्रश कर लूँ पहले, तो फिर रेडी वेडी हो जाऊंगा, तो फिर मैं आपको जहाँ चलेंगे वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लोर कर लूँ। सो मैं हो गया हूँ रेडी, हूँ मैंने ये ब्लैक टी शर्ट और नीचे वो योगर्ट डाला हुआ है, और सिंको अभी नहा रहे हैं, तो नहा के आएंगे तो रेडी होंगे। और हमारा वो जो हमने जो कार जो बुक किया है वो आएगा, आई थिंक 9:30 बजे आएगा। तो अभी 9 बज रहा है कुछ, तो 9 बजे तक मैं रेडी हो गया हूँ, और फिर ब्रेकफास्ट हम लोग बाहर ही करेंगे। और मे बी हो सके तो हम लोग ये रूम को चेंज करने के लिए बोले नीचे जाके, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे विंडो नहीं है तो थोड़ा सफोकेशन टाइप हो रहा है। और मुझे हम लोग को लगा विंडो है, बट विंडो यहाँ पे है बट कुछ व्यू नहीं है, एक वॉल आ जा रहा है, तो फिर अजीब सा सफोकेशन हो रहा है। मे बी बात करते हैं वो चेंज कर दे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा तो रहना पड़ेगा इसी में। तो फिर इसलिए ज़्यादा मैं मैसी मैसी नहीं कर रहा हूँ, वरना फिर समेटना पड़ेगा मुझे ही, इसलिए जितना निकला हुआ उतना मैं रख दे रहा हूँ। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया डन, जो हम लोग घर से लेके आए थे लिट्टी वही खा लिया, और चाय के लिए बोले यार अभी तक तो चाय बनाते रह गए। आ गया शायद, मर जाएगा उसको, पिएगा तो तबीयत भी खराब नहीं होगा, मर ही जाएगा सीधा एक ही बार। बहुत चीनी है चाय में। बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं, वाओ। तो लेट्स सी हम लोग को रूम वो देता है कि नहीं देता। बोल तो रहा है कि सभी यहाँ के रूम में वो विंडोज ऐसी ही हैं, क्लोज ही हैं। लेट्स सी बाहर निकल के देखते हैं। तो हम लोग अभी फर्स्ट जा रहा है वहाँ दोबारे, वहाँ पे एलिफेंट्स कुछ है ना? हाँ, एलिफेंट कहीं पे पासपोर्ट लगाएगा। अच्छा, तो फर्स्ट हम लोग पहले वहीं जा रहे हैं। इतना क्राउड है यार, हम लोग को इसी रास्ते से जाना है, तो पहले हम लोग अपना शूज को खोल ले। जीन्स फोल्ड करना पड़ेगा ना? और यार Thank you.
ये हम लोग कहाँ तक क्रॉस कर रहे हैं? एलिफेंट कहाँ दिखेगा? इस पार में। ओके। देखो इधर। आराम से जाओ सीधा, कुछ भी नहीं है, सामने पैर रखो बस। वो इसको हाथी को देखने आते हैं तो हाथी हमारे सामने है। हाथी को मैं दिखाता हूँ आप लोग को भी, इसी को देखने के लिए वो पानी के रास्ते हो कि पहाड़ों पे चढ़ के। पैसा ले रहे हैं वो चाय वो खिलाने के लिए, घासभूस खरीद रहा है लो, लग रहा है क्या ये लोग हाथी को खिलाने के लिए था तो उस भी पैसा ले रहा है यार घास फूस खिलाने के लिए। क्या चार्ज लग रहा है? अच्छा ये ना तो हाथी को खिलाने के लिए ना वो खरीद रहा है। अच्छा ठीक है ये खरीदता है। हम ही लोग से पैसा लेके तो हम ही लोग से लेके पैसे है, वो घास भूस खिला रहा हाथी को, खुद से नहीं खिला सकता। सब जगह बिजनेस है यार, यहाँ भी हाथी है। मैंने इतना पास से पहली बार देखा जू में, मुझे इंटरेस्ट ही था जाने का। थक गया, नारियल पानी पियेंगे हम लोग। पैर का कचुम्बर निकल गया, काले हो गए यार हम तो, बहुत धूप है यार, बहुत ज्यादा ही यार। नेक्स्ट हम लोग, गर्मी बहुत नहीं होगी इधर? हाँ अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग निसर्ग धाम। निसर्ग धाम कितना टाइम लगे यहाँ से? नेक्स्ट हम लोग निसर्ग धाम। अभी हम लोग आ गए, कहाँ आए हैं? निसर्ग धाम। निसर्ग धाम आया हम लोग, यहाँ भी फुल है यार, यहाँ भी क्राउड है। वो हॉलिडे के कारण। अच्छा हॉलिडे के कारण ही, हॉलिडे के कारण सारी जगह क्राउडेड मिल रहा है, वरना इतना भीड़ नहीं रहता। हेलो, तो फिर चलिए चलते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है। लेट्स गो। ये अपने ऑफिस के कलीग को कॉल कर रहा है, वो यहीं पे रहता है तो वो आएगा शायद, इसलिए कॉल कर रहा है। अच्छा सो यहाँ भी टिकट है, तो फिर वो टिकट लेने के लिए गए हुए हैं और मैंने अपना ये क्लासेस लेके आया है। धूप बहुत है यार, कैसा लगा? नाइस ना। तो फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, हरीश आएंगे तो हम लोग तीनों जन जाएंगे यहाँ पे। ये पूरा रिवर है यार, मछलियाँ दिखी हैं इसमें, स्केरी लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, ये हिल रहा है। तो अच्छा इसके बाद हम लोग गोल्डन टेम्पल जाएंगे, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। मे बी इससे अच्छा गोल्डन टेम्पल है ये, मुझे उतना जमा नहीं,
बस कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मल पार्क था। स्पेस बहुत है यार इसके, इसके पीछे है हम लोग का टेंपल, तो ये बुद्धिज्म लोग का टेंपल है, फिर हम लोग अंदर चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। ये है गोल्डन टेंपल, पंजाब वाला नहीं कुड़को वाला। अब हम लोग अपना स्लीपर यहाँ पे रखेंगे, स्लीपर स्टैंड है ये, उसके बाद हम लोग अंदर टेंपल के अंदर जाएंगे। हो गया शूज़ हम लोग पहन लिए, वो पहन रहे हैं, फिर हम लोग का यहाँ पे हो गया गोल्डन टेंपल। बहुत बढ़िया था यार, बहुत खूबसूरत था। नेक्स्ट हम लोग अभी जाएंगे लंच करने, और उसके बाद हम लोग जाएंगे वो कॉफ़ी प्लांटेशन, बट वहाँ जाने का मन नहीं है, बट चलते हैं फिर। लेट्स गो। ये मिनी मार्केट है, छोटा सा शॉप है, सॉरी शॉप है, छोटे छोटे शॉप्स, जिसमें यहाँ पे स्टैचूज हैं। हम लोग ये होटल क्राउन आए हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। अंदर एसी नहीं है क्या? हवा है ना बाहर, वो धूप के कारण वो लग रहा है। सो ये हमारा पनीर टिक्का मसाला है क्या, ऑमलेट और चावल और रोटी आ रहा है। सो हमारा लंच हो गया डन, हम लोग लंच अपना खाना खा लिए, और यहीं से रात के लिए भी पैक करा लिए जो जो हमारा वो सब्जी बचा हुआ था, और रोटी भी हम लोग 3 रोटी ऑर्डर कर दिए, यहीं से हम लोग लेके चले जाएंगे रूम के लिए, फिर हो गया। और खाना बहुत टेस्टी था। एकदम टायर्ड हो गया यार, फोटो कट ही आएगा। यहाँ से चलो, यहाँ से हाँ भी है। मैं थक गया। मैं कैसे क्रॉस करूँगा इसको? इसको पैर ऊपर करना है। अच्छा, इस पे क्रॉस को आवाज देना। अबे चुप रहो, आप आगे चलोगे क्या? मैं थक गया।
फोटो कैसे अच्छा है पता है? दुकान थक गया यार, उल्टे जवाब दे चुके हैं मेरे अब। नहीं वाला नहीं, वो तो मैं से टच की, अब इतना भी नहीं, वो उस टाइम में जोर से उसमें गिर गया तो इसका मतलब क्या मिली हमारे हाथी से। हाथी में बैठे हो आप? खुद का हाथी था मेरा, मेरे भी हाथी थे। हाँ, अम्मी पुस्तानी बहुत अमीर थे। सारा जी हाथी बैठ के यहाँ कोलकाता में उसी ऊपर बाजार से लिया क्या? 6 रुपए में 3 ठो प्लास्टिक का था। क्या चीज़? हाथी। नहीं समझा। 6 रुपए का? चल। जोक भी वैलिड नहीं है तुम्हारे ऊपर। अब घूम फिरा के जोक मारोगे तो कैसे समझूंगा मैं फिर? नहीं मैं खड़े खड़े मारा। बातें घुमाई आपने? अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत गंदे हो। वेदर अभी सुपर हो गया, सुपर वेदर, राउंड पूरा कर लिया हम लोग ने। अब हम लोग अपने होटल की तरफ जाएंगे, जाएंगे ना होटल की तरफ। तो आ गए हम अपने होटल में वापस घूम कर। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज डे 1 है हमारा यहाँ कुर्ग में। तो ये तो सुबह हम लोग जैसे उठे हम लोग ने अपना कैब, जो हम लोग कार बुक किए थे, तो फिर वो कार हमारा आई थिंक कितना बजे, 9:30 आ गया था। तो फटाफट हम लोग रेडी होके गए। तो जो हम लोग को पैकेज में जो इंक्लूड था जगह, वो सब आज हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। तो फिर अच्छा अच्छा सारा जगह किया, मज़ा आया घूमने में। बट यहाँ पर बहुत गर्मी है यार, तो गर्मी की वजह से तो थकावट हो जा रहा था, अदरवाइज अच्छा था यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। और फिर होटल का मैंने रूम दिखाया था आपको, तो रूम थोड़ा हम लोग चेंज किए। तो ये भी रूम ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा विंडो, थोड़ा ये उस वाले से रूम से ये बेटर है, बट हाँ सेम ही है, स्पेस बहुत कम है इस रूम का। सो हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कल हम लोग इस होटल में चेकआउट कर दें और नेक्स्ट दूसरे होटल में जाने का सोच रहे हैं। तो फिर मे बी हम लोग इस होटल में कल चेकआउट कर देंगे और कल जाएंगे। तो कल चल नहीं, होम स्टे बोल रहा हूँ ना, तो वो पास में नहीं हो, दूर होगा ना, वो तो फिर वो इतना ये सिटी के पास नहीं रहेगा ना, नहीं। तो वो थोड़ा दूर पड़ जाएगा। पहले सोच ही रहे थे हम लोग उसमें जाने का, लेकिन वो यही सोचे कि फिर वो आने जाने का जो वो लग जाएगा चार्ज वो कार का, इसीलिए फिर हम लोग ये सिटी में ऐसी होटल देखे हो यही पे। फिर ये बोल रहा है कि वहाँ जाने के लिए, लेट्स सी, देखते हैं कल मैं अपना रूम टूर कराऊंगा। और फिर कल मेरा आप नया ब्लॉग देखोगे और कुछ नई जगह मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो फिर मैं ये वीडियो मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ। सो मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी के लिए बाय एंड गुड नाइट, बाय बोलो, गुड नाइट, बाय बाय।